सर की लगा दो मनीष सर हमारे गेस्ट हैं ना ये वेलकम सर इधर रह गया जी हाँ किसका रह गया अच्छा इसका रह गया अच्छा ये हटा दो यार कैमरे वाले हेलो Our SDG number 7, we have chosen this SDG, which is affordable and clean energy. So SDG kya hota hai? It is a sustainable development goal. So the United Nations has set 13% SDGs. तो इसमें अंतर ये है बेसिकली सर सर आप जैसे भी कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ ये इनके पास नोटबुक नहीं है ये सब कुछ यहाँ करते रहते हैं इवन सबके पास लैपटॉप है हाँ तो टीचर्स किसने दिया स्कूल ने स्कूल की तरफ से मिला तो अगर टीचर को कुछ पूछना भी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट ड्रॉप किया और फिर समझा तो वो तुरंत इनको लैपटॉप पर ही करना होता है टीचर कैन नो कि मेरे कितने बच्चों ने क्या समझाया और क्या नहीं समझाया वो ये नहीं घर नहीं ले जाते ये यहीं रहता है ना ये नहीं ले जाते ये क्लासरूम कनेक्टेड इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड क्लासरूम है इट्स नॉट देयर पर्सनल लैपटॉप तो ये क्लासरूम में इनका टूल है तो नोटबुक यूज़ नहीं करते फिर इस ये क्लासरूम स्पेशल क्लास अब सब लोगों ने इंजीनियर बनना है डॉक्टर वाली क्लास है इंजीनियर वाली क्लास है मिक्स है ये क्लास टेंथ डॉक्टर किस किस को बनना है डॉक्टर वाले ज़्यादा हैं थोड़ा आगे आ जाओ यार उधर दिख नहीं रहे बच्चे दिख नहीं रहे थोड़ा सा लड़कों को इंजीनियर बनना है लड़कियों को डॉक्टर बनना है ये क्लासिफिकेशन बड़ा साफ दिख रहा है लड़कों को भी डॉक्टर बनना है होने चाहिए यस और लड़कियों को भी इंजीनियर होना चाहिए वेरी गुड गुड वेरी गुड ऑल द बेस्ट झुग्गियों के बच्चे हैं सारे साहब किधर Last 12. बैठे 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 सर ये स्मार्ट क्लास है क्लास 12 में सी बी एस ई कंप्यूटर साइंस का पीरियड चल रहा है और ये अपना कंप्यूटर साइंस का असाइनमेंट कर पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे भी सर यहाँ पर 2 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं जो नाइन्थ में थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दे हैव लाइक दिस आईडी और बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स है पूरे बच्चों का हमारा और जो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता कुछ पूछती तो ये नाइन्थ से इस क्लास ये नाइन्थ टू ट्वेल्थ का क्योंकि ये स्कूल है ना तो अब ये ना ये ट्वेल्थ वाला बैच ट्वेल्थ का बैच है तो इस बार जेई के एग्जाम देने हैं कौन कौन देगा जेई के सारे बेटा तुमने हाफ का नहीं किया
एनडीए में जाना है। प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहाँ से आते हो आप? कहाँ से आते हो? आप अच्छे साकेत से? आप तो इस पढ़ाई से आप सेटिस्फाई हो, खुश हो? तो घर जाके आपके माता पिता खुश होते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हो? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते? प्राइवेट स्कूल में कोई था पहले? कितने बच्चे थे प्राइवेट? थोड़ा पीछे हटा दे भाई, सुनो कैमरा ऐसे दिखेगा। छोड़ के क्यों आए आप? एजुकेशन यहाँ की फैसिलिटी काम में लिया और यहाँ पर टीचर भी काम में लिया। अच्छा, प्राइवेट कौन से तो बाकी पीछे कौन से स्कूल से थे प्राइवेट से? सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस से आए हो? चलो बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सेंट कोलंबस से बच्चा आया हुआ है ना आपने? दिल्ली के बेस्ट स्कूल से है। मैडम डीएमसी से हैं आप? नहीं, आप स्कूल से? ये बताओ मुझे सब ऑनलाइन। तो अच्छा, ये डीएमसी से उधर से आ रहे हैं, ये हमारी टीचर हैं तो ब्लेंड करके पढ़ाते हैं। डिस्टर्ब है, मुश्किल होता है ना। मैंने भी करा था, बड़ा मुश्किल होता है। सर ने भी जेई करके आईआईटी के, तो इस बार अच्छा सब लोग जेई देंगे। ऑल द बेस्ट, आप क्लास चल रही है। इतनी देर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंडिया नहीं लग रहा है। ये सब वही चल रहा है। सारे इंजीनियर्स के बीच में एक एनडीए वाली लड़की भी थी। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एनडीए तो वो आर्मी वाला हुआ। हाँ। नहीं उससे नहीं है मतलब, लेकिन बारहवीं के बाद एनडीए जा सकती है, उसका ख्वाब है। मैं अलग से कुछ कराऊंगा, देखूंगा कुछ। ये तो ऐसे मिल जाते हैं तो हेलो वंस अगेन। बैठो बैठो बैठो। ये क्या है? ये सर, ये इनका 3D आईडिया है। 3D बेटर आईडिया है। आप ये देखा मुझे कैसे बनाते हो? एक एक बच्चे को ना 2,000 रुपये देती है सरकार। तो मैं चार बच्चे इकट्ठे हो गए, उनके 8,000 रुपये हो गए, पांच बच्चे हो गए 10,000 रुपये। उससे उनको बिज़नेस आइडिया कुछ सोचना पड़ता है और फिर उस पर बिज़नेस करना पड़ता है उनको। तो जब वो उसका दिमाग फिर बिज़नेस की तरफ चलने लग जाता है। ऐसे कई बच्चों ने अपने बिज़नेस आइडियाज़ बनाए और फिर एक हमने वो बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें बिज़नेस ब्लास्टर, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया, उन्होंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, तो बिज़नेस मैंने उनमें इन्वेस्ट किया उनके आइडियाज़ के अंदर। आपके आप कितने बच्चों का ग्रुप था बेटा बताओ? 8 8 बच्चे मिल गए तो 16,000 रुपये इकट्ठे करके इन्होंने उसमें से कोई बिजनेस का आइडिया निकाला। उन्होंने सर 3D प्रिंटर कर लिया और 3D प्रिंटर की जो कमर्शियल एप्लीकेशन है उसको दिखा रहे हैं। मतलब आपका खुद 8 बच्चों ने 16,000 रुपये इकट्ठे किए? यस सर। कितना कमा चुके सर? एक्चुअली हम 9 बच्चे थे, हमने 18,000 इसके बच्चों के बीच में। तो कितने का कमा लिया अभी तक सर? अभी तो हमने की चेंज बेचे हैं तो हमने करीब 1,500 कमाए हैं और हमने सिर्फ 7-8 की चेंज ही बेची एक हफ्ते में। अभी 2 हफ्ते एक हफ्ते में। और उनका आपका आप लोगों का प्लांट्स का है?
सर नहीं सर को जाना पड़ेगा आप लोग भी इधर आ जाओ इधर ये वाला ग्रुप इधर आ जाओ एक ग्रुप ये भी है अभी तो अच्छा लगा वहाँ से एक ग्रुप ये भी है तीसरी टीम हेलो सर माय नेम इज अनुष्का आई एम द टीम लीडर ऑफ सिलाई सर सिलाई मित्र इज अ कस्टमाइज्ड टेलरिंग ऐप दैट प्रोवाइड्स क्वालिटी स्टिचिंग एट कस्टमर स्टोर एट अफोर्डेबल प्राइस सर ये ऐप हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली जहाँ पे हम टेलर्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है कम्यूट करना तो हम ऐसे स्किल्ड होम मेकर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं कितना बिजनेस पूरा अभी तक मॉडल बताओ कितना पैसा मिला था कितना खर्च हुआ कितना कमाया हमने टीवी शो पे भी आए थे तो हमें 1 लाख इन्वेस्टमेंट मिली थी सर हम उसमें से नहीं आप कितने बच्चे सर वी आर 20,000 से शुरू किया सर 20,000 को कितने में कन्वर्ट किया सर 20,000 को मैं अप्रॉक्स 30,000 में कन्वर्ट किया था एंड देन वी गॉट द इन्वेस्टमेंट एंड सो वी आर वर्किंग विद द इन्वेस्टमेंट इनको कितना कितना कर दिया एक लाख इनका लोगो देखा आपने नीचे नीचे दिखाना बेटा योर ड्रेस विल देखा सबसे हेड योर ड्रेस विल इंप्रेसिंग गुड बहुत अच्छे आप ऑर्डर भी कर सकते ये बच्चों ने बनाई है तो अब की बार सर को कुछ ऑर्डर करना होगा तो वहाँ से कर लेंगे एक इनकी जैकेट बनवा रहे हैं।